बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा ढाका चिकन, और ये बनाना बड़ा ही आसान है और खाने में भी बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाया जाता है। चिकन लिया हमने, चिकन के पीसेस कर लिए हैं और इसे नमक लगा के अच्छे से साफ कर लेना। उसके बाद अंडे इस्तेमाल होंगे, बादाम हैं ग्राइंड किए हुए, मूंगफली ग्राइंड की हुई, पिसा हुआ गर्म मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, मैदा और उसके अलावा कॉर्न फ्लोर यानी के मकई का आटा, ये वाइट तिल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन का पेस्ट, बादाम और मूंगफली ग्राइंड की हुई, मकई का आटा, मैदा, वाइट तिल, ऑयल, थोड़ा सा ऑयल भी इसमें जाएगा, अंडे, तीन अंडे हमने शामिल किए इसमें। अब इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा, तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। सही बने। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। और 20 मिनट हो गया इनको रखे हुए, अब इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन हमारा काफ़ी रफ है क्योंकि किचन हम दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं, बारिश की वजह से ख़राब हो गया था, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा रफ हो गया। तो एक दो दिन में इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अभी साइड चेंज कर लेते हैं चिकन की।
अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ, और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चिकन तैयार हुआ है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। अभी साइड चेंज कर लेते हैं चिकन की। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, और आपके सर पे आपके वालदैन का साया हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।